हेलो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है 11 नए वेटलैंड जो है घोषित किए हैं। उससे पहले यदि मैं बात करूं तो 10 वेटलैंड घोषित किए थे, और जब 10 वेटलैंड घोषित किए थे तो टोटल जो नंबर था वो 64 था, और उसमें यदि मैं 11 और जोड़ दूं तो अब जो है ये नंबर 75 हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स की यदि मैं बात करूँ भारत में तो वो 75 हो गए हैं। उसमें भी यदि मैं बड़ी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड एशिया में यदि मैं बात करूँ तो अब इंडिया में ही हो गया है, और सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो भारत में यदि मैं बात करूँ तो अब वो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जो है 14 वेटलैंड हो गए हैं। उसके अलावा यदि मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है यूपी में है, और वहां पर जो है 10 वेटलैंड है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे सीक्वेंस को। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड है, 14 उनकी संख्या है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यूपी में जो है सेकंड नंबर पर वेटलैंड है, और वहां पर जो है 10 है। आज जो है हम इन्हीं 21 वेटलैंड को जो है मैप में देखने वाले हैं। तो यदि मैं बात करूं तो इस कलर में जो आपको दिख रहा है यहां पर, यदि मैं बात करूं तो ये वो 10 है जो कि इससे पहले घोषित किए गए थे, और ये जो आपको येल्लो कलर में यदि मैं बात करूं तो जो दिख रहा है ये आप एक्चुअली 11 वो वेटलैंड है जिसको हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो है घोषित किया। तो पहले यदि मैं 10वें की बात करूं, और यदि 7वें मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली जो है दो एक्चुअली वेटलैंड घोषित किए गए हैं। पहला यदि मैं बात करूं तो सिरपुर वेटलैंड, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो यशवंत सागर जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में जो 11 एक्चुअली वेटलैंड घोषित किए गए हैं उसी में किए गए हैं। और पहला यदि मैं बात करूं तो सालबुर्ग वेटलैंड जो कि एक्चुअली श्रीनगर में है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके अलावा यदि आप यहाँ पर देखें तो यह आपको पूरा उड़ीसा दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा कि ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा में यदि मैं बात करूँ तो सतकोसिया जॉर्ज एक्चुअली 10 में शामिल है। उसके अलावा जो नया रिसेंटली 11 हुआ है उसमें यदि मैं बात करूँ तो अनुसुमा रेख जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो तामपारा लेक जो कि गंजाम में है एक्चुअली, उसके बाद हीराकुंड रिजर्वायर वेटलैंड जो एक्चुअली घोषित किया गया है जो कि उड़ीसा में है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यदि यहां पर यदि आप देखें तो ये एक्चुअली आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में जो है इस रिसेंटली 11 में जो है थाने क्रीक को जो है घोषित किया गया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं आपको एक्चुअली गोवा दिख रहा होगा, और यहां पर जो है नंदा लेक वेटलैंड घोषित किया गया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहां पर एक्चुअली आपको कर्नाटक पूरा दिख रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो कर्नाटक एक्चुअली रंगन थीतु बर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पर है इस कर्नाटक वाले लोकेशन में। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो जब 10 घोषित किए गए थे वेटलैंड उसमें से 6 जो थे तमिलनाडु में। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ जब 11 एक्चुअली घोषित किया गया तो उसमें से जो 4 था एक्चुअली तमिलनाडु में शामिल था। तो यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो टोटल 14 है, तो उसमें से जो 10 है हम उनको मैप में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो वद्योर बर्ड सेंचुरी जो कि यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लोकेटेड है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो वेंदन थंगल यहाँ पर लोकेटेड है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो वेंदन थमपुरम तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। कुंथम कुलम की यदि मैं बात करूँ तो वो भी तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। उसके अलावा यदि आप यहाँ पर देखें तो एक्चुअली ये रामन थनपुरम जो है वो भी तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। यहाँ पर जो आपको चित्रगुड़ी बर्ड सेंचुरी और कंजीकुलम बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो तीन है ये सभी तमिलनाडु में लोकेटेड है। उसके अलावा यदि आप यहाँ पर ये वाला देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एक्चुअली वो भी कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहीं पर जो है गल्फ ऑफ मन्नार एक्चुअली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो वेम्बन बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा यदि मैंने आपको बता ही दिया एक्चुअली विलेड बर्ड सेंचुरी जो है वो भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो ये थे एक्चुअली वो 21 वेटलैंड जो कि हाल फिलहाल में जो है गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इनकी टोटल संख्या जो है 75 हो गई है, और एशिया में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड जिस देश के पास है कहीं ना कहीं वो भारत बन गया है, और सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूँ तो इंडियन स्टेट में तमिलनाडु के पास है, और उसके बाद जो है यूपी में है। यदि मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूं तो ये चर्चा में क्यों है रामसार वेटलैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 मोर रामसार साइट्स ऑफ वेटलैंड एक्चुअली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है घोषित किए गए हैं, और इनकी संख्या जो है अब टोटल 75 हो गए हैं। सबसे ज्यादा मैंने आपको बता ही दिया कि तमिलनाडु में है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में है जिनकी संख्या जो है 10 है। तो यदि रामसार वेटलैंड की बात करूं तो रामसार साइट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, अंडर रामसार कन्वेंशन। तो ये किसके अंदर आता है एक्चुअली रामसार कन्वेंशन के आता है, और ये क्या है एक्चुअली इसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर यदि ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली कीवर्ड है ये इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये एस्टेब्लिश किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को के द्वारा जो है इसको घोषित किया गया है, ये कीवर्ड है। और कब किया गया है ये एक्चुअली 1921 में किया गया था, क्योंकि ये रामसार में किया गया था इसलिए इसका नाम जो है रामसार कन्वेंशन दे दिया गया, और रामसार जो है ईरान में लोकेटेड है।
यदि मैं बात करूं तो कुछ बुलेट पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, रामसर कन्वेंशन बोलते हैं इसको, जो है कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी बोलते हैं। ये यूनेस्को के द्वारा जो है घोषित किया गया है और सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में वेटलैंड है हमारे देश में। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो यूपी में है। और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो टोटल जो संख्या है 25 है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।